कल यानी 17 मार्च 2023 को पूरे विश्व में वर्ल्ड स्लीप डे मनाया जाएगा। इसका उद्देश्य है कि स्लीप के बारे में लोगों को जागरूक करना। स्लीप ही इतनी इम्पॉर्टेंट है जैसे एक्सरसाइज और डाइट, ये तीन इम्पॉर्टेंट पिलर्स हैं हेल्थ के लिए। आदमी स्वस्थ आदमी के लिए कम से कम 7 से 8 घंटे की स्लीप जरूरी है। अक्सर देखा गया है लोग स्लीप के मामले में काफ़ी कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं, पूरी स्लीप नहीं लेते, और अगर देखा अगर स्लीप पूरी नहीं लेंगे तो आगे चल के इसके कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, जैसे तरह तरह की बीमारियां हो जाती हैं। क्योंकि स्लीप का मेन पर्पस होता है कि ब्रेन को रिस्टोर करना, एक तरह से रिपेयर करना, तो स्लीप इतनी इंपॉर्टेंट है। और जो कॉमन डिसऑर्डर हैं जो स्लीप डिसऑर्डर्स कहलाते हैं, एक तो इंसोमिया, नींद ना आना, दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। इसमें क्या होता है, जब मरीज सोता है तो उसका जो थ्रोट है या थ्रोट मसल्स हैं वो रिलैक्स हो जाती है। और जिन जो अक्सर मोटे लोग होते हैं जिनके अंदर फैट ज़्यादा होता है थ्रोट में, जिनकी गर्दन छोटी होती या मोटी होती है, उसमें देखा गया है कि सोते वक्त इतने रिलैक्स हो जाती है थ्रोट मसल कि चिपक जाती है। चिपक जाने से क्या होता है कि सांस पूरी तरह से अंदर या तो बिल्कुल नहीं आ पाती या टर्बुलेंस के साथ आती, मुश्किल से आती है। डॉक्टर साहब, आज की स्थिति में मोबाइल युग है और रात्रि काल में प्रायः लोग लेट नाइट में मोबाइल चलाते रहते हैं और पूरी नींद न केवल 4 घंटे 3 घंटे की नींद होती है, इसके विषय में जो आधुनिक हमारी पीढ़ी है क्या कहना चाहते हैं? इसके लिए बहुत मैंने सबसे इम्पॉर्टेंट बताया है कि पूरी नींद लेना 7 से 8 घंटा जरूरी है। नींद का पर्पज ये होता है कि ब्रेन को रिस्टोर या ब्रेन को रिपेयर करना। अगर आप सोएंगे नहीं तो आपका ब्रेन रिपेयर नहीं होगा, और रिपेयर नहीं होगा तो आपको जो है आगे चल के जितने भी कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं वो हो सकते हैं। आज 17 मार्च को ये मनाया जाएगा, पूरे इसका मेन इसका यह स्थापना कहाँ से हुई थी के बारे में जी पब्लिक को अवेयर करना कि स्लीप लेना बहुत ज़रूरी है और स्लीप के क्या डिसऑर्डर्स होते हैं। एक तो मैंने बताया इंसोमिया, नींद ना आना, अक्सर एंजाइटी वजह से, टेंशन वजह से नींद नहीं आती है, तो उसका भी ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है। और दूसरा हमने बताया कि ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, ये और ख़तरनाक है। इसमें क्या होता है कि सोते वक्त जो मरीज का जो थ्रोट है रिलैक्स हो जाता है, सांस पूरी तरह से अंदर नहीं आती या रुक जाती है। अगर पूरी तरह से रुक जाएगी तो इसको कहते हैं एपनिया, यानी रेस्पिरेशन रुक जाना। और जब रुक जाएगी जारी बात है जो इस ब्लड है वो जो ऑक्सीजन है वो ब्लड में नहीं जाएगा, और इसके ना हो जाने से ब्लड में क्लॉटिंग हो सकती है, इससे हार्ट अटैक हो सकता है, स्ट्रोक हो सकता है। और अक्सर देखा गया है कि जब पूरी नींद नहीं मरीज लेता है तो उसको दिन में झपकी आती, जिसे कहते हैं डे टाइम स्लीपनेस। ये ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के स्नोरिंग यानी खर्राटे के अलावा डे टाइम स्लीपनेस भी इंपॉर्टेंट लक्षण है। इसमें मरीज अक्सर बात करते करते, खाना खाते खाते, टीवी देखते देखते सो जाता है। और अगर मरीज गाड़ी चला रहा है और सो गया तो एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत होते हैं। इसलिए इसको ये स्लीप एपनिया की जांच कराना बहुत ज़रूरी है। ऐसे मरीजों को जिसको खर्राटे आते हैं या जिनको दिन में झपकी आती है, ऐसे मरीजों को स्लीप एपनिया हो सकता है, इसलिए इसकी जांच कराना बहुत ज़रूरी है। इसकी जांच कैसे हर जगह होती है, मेरे हॉस्पिटल में भी होती है। इसको कहते हैं स्लीप स्टडी या पॉलीसोमनोग्राफी, PSG। ये एक बहुत साधारण जांच है। इसमें मरीज जब सोता है तो घड़ी जैसे बांध दी जाती है, और जब सो उठता है तो उसको उतार करके कंप्यूटर में ट्रेसिंग ले जाती है। उससे ये पता लगता है कि एक मरीज को एक घंटे में कितनी बार एपनिया हुआ या सांस रुकी। नॉर्मली 0 तक या 5 तक उसको नॉर्मल मानते हैं, लेकिन अगर 5 से ज़्यादा रुकती है, 5 से 15 को माइल्ड स्लीप एपनिया कहते हैं, 15 से 30 जो मॉडरेट, और 30 से ज़्यादा अगर रुकती है तो सीवियर स्लीप एपनिया कहते हैं। मॉडरेट और सीवियर स्लीप एपनिया का एक ही इलाज है कि हम उस एक यंत्र होता है जिसको कहते हैं CPAP, कंटिन्यूस पॉजिटिव एयर प्रेशर। इस प्रेशर से एक हवा को ब्लो किया जाता है थ्रोट मास के जरिए, जिसके थ्रोट में हवा जाती है और थ्रोट की नलियां हैं वो आपस में चिपक नहीं पाती। न चिपकने से पूरी तरह से मरीज की सांस रुकती भी नहीं, आराम से सांस लेता है और ऑक्सीजन भी पर्याप्त मात्रा में जाती है। जब सो भी उठता है तो अपने को रिफ्रेश महसूस होता है और दिन में नींद भी नहीं आती। जैसे सर, अगर दिन में नींद थकान से आती है, आदमी 8 घंटा सो चुका है और अगर दिन में सो रहा है कभी कभी, तो क्या इस तरह की उसको बीमारी है? नहीं, दो तरह से होता है जी। या तो अगर आपकी नींद रात में पूरी नहीं हुई, पूरी 7 से 8 घंटा नहीं मिली, या फ्रेगमेंटेड नींद कहलाती है, 2 घंटा सोया फिर उठ गए फिर सोया, तो नींद में ड्यूरेशन और क्वालिटी ऑफ स्लीप, रेस्टोरेटिव स्लीप जिसे कहते हैं, जिस तभी पूरा ब्रेन रिपेयर हो पाएगा। तो अगर आपको फुल स्लीप मिल रही है तब तो झपकी आने के चांसेस नहीं है।
लेकिन अगर आपको फुल स्लीप आपने किया है बिल्कुल ठीक है, तब आपको झपकी आ रही तो आपको जरूर जांच कराना चाहिए कि ऐसा तो नहीं हमें स्लीप एपनिया, क्योंकि मरीज को नहीं पता लगता क्या चार्ज है इसका, होता है कितना खर्च आता है इसको जांच कराने में? कराने में खर्चा बहुत ज्यादा नहीं आता, 5-6 हज़ार आता है। टाइमिंग क्या लगती है इसमें, कितना टाइम लगता है इसमें? सोने में जाँच होती है, आप कितने घंटा सोते हैं? 7 से 8 घंटा, तो आपको सोना पड़ेगा। आप जाएंगे हॉस्पिटल में, आपको सोते वक्त बुलाया जाएगा, जब आप सोएंगे तो एक इंस्ट्रूमेंट बांध दिया जाएगा घड़ी टाइप का, और जब सो उठेंगे उसको निकाल दिया जाएगा। धन्यवाद गोरखपुर समाचार से बात करने के लिए।